सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्लिनडेक एबी जेल्स के बारे में। क्लिनडेक एबी जेल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए और ये किस प्रकार काम करता है, और इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, और इसको कब और कैसे यूज़ किया जाता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो क्लिनडेक एबी जेल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं क्लिनडेक एबी जेल, जो कि हमारे पास 15 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 275 यानी कि 275 रुपए के करीब इसकी एमआरपी है। क्लिनडेक एबी जेल को वेलकम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। क्लिनडेक एबी जेल के अंदर इंग्रीडियंट्स मॉलिक्यूल से कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से एडाप्लेंस 0.1% वेट बाय वेट्स, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट्स 1% वेट बाय वेट, तो ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं। क्लिनडेक एबी जेल्स के यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल पिंपल्स या मुहासे के इलाज में किया जाता है, यानी कि सरल भाषा में बताएं तो अगर आपके चेहरे पे कुछ पिंपल्स या मुहासे टाइप निकल गए तो उसको ठीक करने के लिए क्लिनडेक एबी जेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि क्लिनडेक एबी जेल्स को यूज करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके चेहरे पे कुछ दाने दाने टाइप या फिर एक्ने या पिंपल्स या मुहासे टाइप भी निकल गए तो इसको यूज करने से वो ठीक हो सकता है। क्लिनडेक एबी जेल्स को यूज करने का तरीका बताए तो क्लिनडेक एबी जेल्स को आप अपने अफेक्टेड एरिया पे, यानी कि आपके जहां पे एक्ने या पिंपल्स या मुहासे टाइप निकले हैं उस एरिया पे आप इसको लगा सकते हैं, और हल्के हाथ से लगाए, यानी कि आपके जहां पे पिंपल्स वगैरह है उस एरिया पे लगाए, सब जगह इसको न लगाए। इसको लगाने के पहले कोई फेस वॉश से अपने फेस को धोए, बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिनडेक एबी जेल्स किस प्रकार काम करता है, क्लिनडेक एबी जेल्स के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि एडाप्लेंस और क्लिंडामाइसिन, जो कि मुहासे यानी कि पिंपल्स का इलाज करती है। एडाप्लेंस एक विटामिन एक का रूप है जो सीबम त्वचा का प्राकृतिक तेल को जमा होने से रोकता है और छिद्रों को खोलता है और त्वचा की बाहरी परतों को प्राकृतिक रूप से निकालता है। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट से एक एंटीबायोटिक्स है जो त्वचा में जाकर और पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। क्लिनडेक एबी जेल्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। क्लिनडेक एबी जेल्स को यूज करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिर अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में जेल्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से क्लिनडेक एबी जेल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो क्लिनडेक एबी जेल्स के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में मेल लीजिए, वहां पर बताएं। क्लिनडेक एबी जेल्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था। कोई भी जेल्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।